अमृता सिंह, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल S-4 Academy में। एवरीवन, आज मैं जीके जीएस के 5 क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो कि SSC, MTS, रेलवे, बैंकिंग, UPSC इत्यादि परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ग्रीक भाषा से। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोकेशिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का शासन। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षचरित के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बाण भट्ट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल ने। ओके फ्रेंड्स, मोहम्मद इकबाल जी 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक जनरल इंतेहाद में प्रकाशित हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हिरोशिमा एवं नागासाकी। ओके फ्रेंड्स, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम, जिसका कोड नाम था लिटिल बॉय, तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसका कोड नाम था फैट मैन। ओके फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। और चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।